हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं जो भी आपके साइंस मैथ की टीचिंग मेथड है ना, उनकी बात करेंगे। जो भी प्रीवियस में जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं, वो आपको एक वीडियो में आपकी सभी शैक्षणिक विधियाँ मिल जाएंगी। गणित विज्ञान की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ प्राइमरी में भी आपके 10 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में पूछे जाते हैं टीचिंग मेथड मैथ के, तो वो भी इंक्लूड करते हुए, यानी उनके भी क्वेश्चन पेपर जो पूछे गए हैं विशेषकर जो मैथ की पेडागोजी या शिक्षण विधियाँ, तो उनको भी हम साथ ही साथ देखते चलेंगे। साथ ही साथ आपके जो RPSC सेकेंड ग्रेड की जो वैकेंसी आती है, तो उसमें पर्टिकुलर साइंस और मैथ की अलग से पेपर होते हैं, तो उनमें भी टीचिंग मेथड पूछी गई है ना, वो भी इंक्लूड कर दिए इसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। तो हम देख लेते हैं कि अभी हाल में जो परीक्षा हुई है, जैसे 2022 में आपकी पात्रता हुई थी, 2023 फरवरी में आपकी मेन एग्जाम हुई थी, तो उसमें भी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं सिलेबस, इसके बाद है प्रीवियस में किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं वो भी देख लेंगे। जैसे ये प्राइमरी का सिलेबस है, यानी 1 to 5 वाले होगा, तो इसे मैथ के टॉपिक दे रखे हैं, इनसे क्वेश्चन है 10 10, तो 10 मीन्स ये कि फर्स्ट यूनिट है इससे 5 क्वेश्चन और सेकेंड यूनिट से 5 क्वेश्चन, इस प्रकार पूछे गए 10 क्वेश्चन। जैसे गणित की प्रकृति से पूछा जाता है, ठीक है, तर्क शक्ति पे तो बन जाता है, कभी कभी नहीं बनता, लेकिन जो आपके पाठ्यक्रम में गणित की क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ से बन जाता है, गणित की भाषा को लेकर बन जाता है, और सामुदायिक गणित या समाज में गणित का क्या इंपॉर्टेंस है वहाँ से भी बन जाता है, बाकी जो आपका डाटा मैनेजमेंट है इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इस प्रकार यहाँ से देखो, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है फिक्स है, ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन फिक्स है, तो एक यहाँ से बन गया और एक आपकी गणित की भाषा से बन जाता है। और कभी कभी ये देखो सामुदायिक जो है ना, यानी आप ऐसे कह सकते हैं गणित का अपने समाज में क्या इंपॉर्टेंस है, वहाँ से किसी वर्ष तो परिभाषा पूछता है, किसी वर्ष पूछता नहीं है, तो यहाँ डाटा आंकलन से भी बना लेता है कभी कभी, कभी यहाँ से बना लेता है, तो इस प्रकार बनते हैं क्वेश्चन इसमें से। तो 1 2 3 4 और ये 5, तो ये आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, बाकी ये तर्क शक्ति बात करें तो कभी बनाता है कभी नहीं बनाता, ये डिपेंड एग्जामिनर के ऊपर करता है। ठीक है, बाकी ये है कि ये टॉपिक दे रखे हैं तो इनसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये है। बाकी जो फॉर्मल इनफॉर्मल जो आपकी शिक्षण विधियों में या शिक्षण विधियों द्वारा जो मूल्यांकन होता है, तो वो किस प्रकार होगा, बाकी शिक्षण में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, और त्रुटि विश्लेषण एवं शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित आपके जो भी निदानात्मक और आपके उपचारात्मक शिक्षण है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सेकेंड यूनिट है, तो इससे भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो विधियों को लेकर पूछे जाते हैं, और शिक्षण में किस प्रकार की समस्या यहाँ से पूछ लेता है, और आपके निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण से भी पूछ लेता है। अब ये कहेंगे कि यहाँ पर मैथ की टीचिंग मेथड कहाँ है, तो ये है ना फॉर्मल इनफॉर्मल टीचिंग मेथड, इसी के अंडर में आएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई प्राइमरी का सिलेबस, इन्हीं से आपके किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं वो अभी देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम और भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम बात करें ये साइंस का कह सकते हैं 6 to 8 की टीचिंग मेथड है, लेकिन मैथ की देख लीजिएगा 6 to 8 की, ये मैथ का ही है 6 to 8 का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, जैसे कि मोस्टली ये कि जो प्राइमरी में टॉपिक है ना वही है। देखो यहाँ पे जैसे गणित की आपकी प्रकृति है और तर्क शक्ति है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बाकी जो आपका करिकुलम है उसमें आपके मैथ की क्या इंपॉर्टेंस है, गणित की भाषा कैसी होती है, यानी वही टॉपिक हैं ये सभी, कोई अंतर तो नहीं है। अभी देख लेते हैं जो साइंस की ये सिलेबस है, ये है मेनली ये है कि सिलेबस है, आपको इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप साइंस की देख लीजिएगा, हालांकि देखा जाए जो अभी 2022 में जो परीक्षा हुई है ना, उसमें कम क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस की टीचिंग मेथड से, बाकी जो आपके मैथ है उससे 10 क्वेश्चन पूछे गए प्रत्येक शिफ्ट में, क्योंकि 3 शिफ्टों में पेपर हुआ था, इस वजह से। देखो इसमें जैसे विज्ञान की ये है ना संरचना एवं प्रकृति, यही टीचिंग मेथड है। ठीक है, तो विज्ञान की संरचना क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, यहाँ से। ठीक है, जब बाकी बात करें जैसे प्राकृतिक विज्ञान है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, इसके लक्ष्य क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं, और प्राकृतिक संसाधन और कौन कौन से होते हैं, पर्यावरण पढ़ना हुआ, प्रदूषण एवं नियंत्रण, और जैव विविधता अनुकूलन, कचरा प्रबंधन। ठीक है, ये सभी टॉपिक हालांकि देखा जाए तो ये पर्टिकुलर आपके जब हम इकोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं तो उसके अंडर में आते हैं, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ये चीज़ है। ठीक है, फिर भी अब इस सिलेबस में इंक्लूड किया है, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ये ध्यान रखना। 2022 की परीक्षा 3 शिफ्टों में हुई थी, या 3 पेपर हुए थे साइंस के, उसमें किसी में भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है यहाँ से। ठीक है, ना जैव विकास से पूछा है, विज्ञान को समझना, ठीक है, बाकी विज्ञान की जो भी शिक्षण विधि है यहाँ से तो बना है क्वेश्चन। ठीक है, बाकी जो विज्ञान में नवाचार कौन कौन से होते हैं, जैसे पाठ सामग्री हो गई, और सहायक सामग्री में मूल्यांकन का क्या रोल है। ठीक है, और बाकी मूल्यांकन अलग से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, यानी ये ध्यान रख सकते हैं। बाकी जो भी समस्याएँ किस प्रकार आती हैं,
चाहे वो आपकी शिक्षण में हो या आपके मूल्यांकन के दौरान हो, और बाकी आपके उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है इनसे, ये ओवरऑल ये है कि यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछने चाहिए। लेकिन अभी जो 2022 की पात्रता हुई है उसमें पूरे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ठीक है, आपके सब्जेक्ट के ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो ये हो गए आपके सिलेबस। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये आपकी प्राइमरी का है, और इसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए थे टीचिंग मेथड के। अब वो देख लीजिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे आपकी प्राइमरी में। तो हम सभी को डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है, जैसे प्राइमरी में पूछे गए उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं, और जो आपके 6 to 8 में पूछे गए वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये ध्यान रखना, ये प्राइमरी के क्वेश्चन पेपर है शुरुआत में, ठीक है। तो जैसे कि ये हम जो क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं ये 2022 वाला है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें पहला 91 नंबर क्वेश्चन बना था, जो टीचिंग मेथड से संबंधित जो पूछा गया था कि गणित में जो आपकी स्लाइड रूल होती है इसका क्या उपयोग होता है। और आपको जानकारी के लिए बता दूँ, आपकी रीट हुई थी 2021 में, ठीक है, दो पेपर हुए थे, एक तो सितंबर में हुई थी, फिर एक अक्टूबर में हुई थी, ठीक है, अक्टूबर 2021 में हुई थी। उसमें ये गणित की टीचिंग मेथड में 6 to 8 में यही क्वेश्चन पूछा था। तो स्लाइड रूल होता है, यानी ये आपके मल्टीपल यानी गुणा करने में और आपके भाग करने में उपयोगी होती है। तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अगर आप है वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी रहेगी। हम ये कहेंगे इसमें प्रयोगशाला विधि सबसे उपयुक्त रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगी। बाकी आगमन विधि और आपकी निगमन ये इंपॉर्टेंस नहीं रखेंगी, ज़्यादातर रखेगी प्रयोगशाला विधि, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो सेकंड ग्रेड में पूछा है ये, ठीक है, और इससे पहले प्राइमरी की जो 2018 में भी पूछा है यही सेम, और इसके अलावा आपके और जो 6 to 8 में मैथ के क्वेश्चन है उनमें भी पूछा है ये, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन है जो गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है, यानी जो आपका मैथ की जो नेचर होती है उससे संबंधित नहीं है। जैसे ऑप्शन नंबर पहला है, गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है, ये बात सही है। गणित में जो आपका सामान्यमान, इसे इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, जनरलाइजेशन, ठीक है, यानी जनरलाइजेशन का क्षेत्र है वो सीमित होता है, जबकि क्षेत्र सीमित नहीं होता है, कैसा होता है, विस्तृत होता है, या इसे ही व्यापक बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, या तो वो व्यापक होगा या विस्तृत होगा, न कि वो सीमित होगा। यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और बाकी गणित एक सार्वभौमिक विषय, ये बात सही है। तो ये ए सी और डी ये सही है, और बी नंबर ऑप्शन है वो गलत है। बाकी एक 4 नंबर ऑप्शन बच रहा है, जैसे संख्या है, स्थान और माप इत्यादि गणित के आधार होते हैं, ये बात सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शब्द है जो करिकुलम किस भाषा से लिया गया है। तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है, ये रीट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इसमें पूछा है गणित में जो आपकी सारणी बनाना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो ये आपकी स्किल होता है ना, उसके अंतर्गत आएगा। बाकी जैसे ये बोध, ज्ञान, अनुपयोग, वो सॉरी अनुप्रयोग बोल सकते हैं, एप्लीकेशन, तो ये सभी तीनों चीज़ आती है ना, ये आपके ज्ञानात्मक यानी आप कह सकते हैं कॉग्निटिव डोमेन से संबंधित होती है, जो BS ब्लूम ने दिया था, BS ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो ये आपका संबंधित नहीं है, यानी ये कह सकते हैं कि जो भी आपके जो सारणी हम बनाएंगे वो एक हमारा एक स्किल होता है, तो हम ये कौशल के अंतर्गत रखेंगे इस बात को, यानी यही तो पूछा था ये उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा, तो वो कौशल के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके अलावा तो ये मैथ के क्वेश्चन है, जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैथ के होते हैं, और 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के पूछे जाते हैं। तो हम टीचिंग मेथड देख रहे हैं, ठीक है, और टीचिंग मेथड के और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे ये परिभाषा है ना, ये बार बार पूछी जाती है, जैसे ये संगीत मानव के अवचेतन मन का एक अंक गणितीय या अंक गणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है, ये कथन है गणित के किस मूल्य से संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाएगा आपके आर्टिस्टिक या वैल्यू कह सकते हैं, ये कलात्मक मूल्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ये RPSC सेकेंड ग्रेड मैथ में ही पूछी हुई परिभाषा है, और ये रिपीट हो रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निरीक्षण करो और सीखो सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है। तो हम ये कहेंगे इसमें से देखें, जैसे आगमन विधि तो होगी नहीं, ठीक है, बाकी अभिक्रमित अन्वेषण है, ये स्किनर वाला, ये भी संबंधित नहीं होगा, लेकिन हाँ ये प्रयोगशाला विधि होगी।
क्योंकि इसके द्वारा आप किसी भी चीज़ का ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्व करके ही उसे सीखेंगे। इसकी इंग्लिश क्या दे रखी है, यही है ऑब्जर्व एंड लर्न करना, ठीक है। तो ये प्रयोगशाला विधि का ही कह सकते हैं पूछा गया है ये क्वेश्चन, निरीक्षण करो और सीखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये भी रिपीटेड परिभाषा ऐसा है, 2013-14 की वैकेंसी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, यानी जो गणित की सभ्यता होती है एवं संस्कृति का ये दर्पण होता है कौन गणित, तो ये कथन किससे संबंधित है, तो ये आपके ये हॉगवेन से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, और ये पूछा है आपके निदानात्मक परीक्षण, तो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, जैसे कि शिक्षक की कार्यकुशलता का पता लगाना, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। बालकों के विभिन्न कौशलों का विकास करना, ये बात सही हो सकती है। गणित विषय की अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना, ये भी हो सकता है। बाकी जो भी शिक्षण है या विधियाँ हैं उनकी उपयुक्तता की जाँच करना। हालांकि देखा जाए इसका निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, हम अगर ये करें उद्देश्य की बात करें तो हमें ये कहते हैं कि हम कमियों को ढूंढते हैं बच्चों की, यानी रीजन जाने जाते हैं कि बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है। तो हम फिर इसमें किस करके लॉजिक पर जाएंगे, हम ये कहेंगे कि जो भी आपके गणित विषय की जो अध्ययन करा रहे हैं आप, और अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना, ये एक लॉजिक हो सकता है, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो ये भी हो सकता है, बालकों के विभिन्न कौशलों का विकास करना, तो ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इसके बी और सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जैसे प्राइमरी लेवल पर खेल खेल में गणित शिक्षण कराने के लिए कौन सी व्यवस्था है वो लागू नहीं की जा सकती है इनमें से, या लागू नहीं होती है। तो मॉन्टेसरी है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारे जो सेंस ऑर्गन है, यानी जो भी हमारे 5 माने जाते हैं उन सभी के थ्रू यहाँ पर सीखते हैं बच्चे, तो निश्चित तौर से वो ये कह सकते हैं कि खेल खेल में यहाँ पर सिखाया जा सकता है। जो किंडरगार्टन है ये प्रोबल की विधि है, तो ये भी इसी प्रकार सिखाती है बच्चों को, और डॉल्टन, तो हम ये कहेंगे ये तीनों भी विधियाँ हैं जो खेल के रूप में बच्चों को सिखाती हैं, और इसमें जो हमारे सेंसर होते हैं वो सभी इसमें उपयोगी रहते हैं या उनका उपयोग होता है, तो निश्चित तौर से बच्चा है और ये है कि करके सीखता है एक तरह से, ये बोल सकते हैं। बाकी व्याख्यान विधि तो एक तरह ऐसे कह सकते हैं ये बड़ी कक्षाओं के लिए होती है, ना कि ये प्राइमरी लेवल पर, तो इस वजह से हम ये कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हालांकि हम ये है कि ओवरऑल देखा जाए तो ये सभी मनोवैज्ञानिक विधियाँ हैं और ये अमनोवैज्ञानिक, ऐसे भी आधार लगा सकते हैं। या मैंने बताया है कि जो भी हमारे सेंसर होते हैं इन विधियों के द्वारा उनका उपयोग होता है, तो इस वजह से ये मनोवैज्ञानिक विधि कहलाती हैं, और बाकी ये करके सीखने के सिद्धांत पर भी डिपेंड होती हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी ये हो गई थी प्राइमरी के। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपके 6 to 8 में जो मैथ की टीचिंग मेथड से, यानी आप कह सकते हैं मैथ की पेडागोजी से किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं वो हम देख रहे हैं, ठीक है। जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है जो 91 नंबर क्वेश्चन बना है, ये गणित विज्ञान से संबंधित पूछे गए टीचिंग मेथड है। जैसे 91 वो कह रहा है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया संबंधित होती है, किससे संबंधित होगी, तो हम ये कहेंगे चाहे वो आपके शिक्षण के उद्देश्य हों और मूल्यांकन की प्रविधि हो या अधिगम अनुभव हो, इन सभी से संबंधित होती है। आपने ये अपने एक त्रिभुज सा देखा होगा, इसमें क्या होता है हमारे ये उद्देश्य होते हैं, और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी हम अधिगम अनुभव करते हैं और यहाँ पर हम मूल्यांकन की जो भी विधियाँ बनाते हैं, तो इस प्रकार हम ये कहेंगे ये तीनों ही स्टेप है वो इंपॉर्टेंस होगी कि इसमें मूल्यांकन की प्रक्रिया में, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है। तो हम ये जानते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि सभी को अवसरों को पढ़ते हैं तो उसी आधार पर पता पढ़ पाएगा इसका। हालांकि ये होता है निदानात्मक परीक्षण का मतलब होता है कि बच्चे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं उनके रीजनों को जाना जाता है, यानी कारणों को जाना जाता है। मेनली तो ये काम होता है इसका उद्देश्य तो, ठीक है। बाकी आप देख लेते हैं, ये कह रहा है कि अध्ययन पद्धतियों का दिशा निर्देश करना, ऐसा तो नहीं करते। कठिनाई स्तर के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना, बाकी विषय विशेष में उपलब्धि की कमी और कमी का पता करना, ये ही होगा राइट आंसर। लेकिन क्या हुआ कि इसमें रट लगाई थी तो बोर्ड के द्वारा फिर ये है कि ये भी आंसर माना गया था, यानी जो हमारी कठिनाई के स्तर के
आधार पर ना छात्रों का वर्गीकरण करना, तो ये भी एक लॉजिक हो जाएगा। यानी हम रीजन जानते हैं ना कि बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है, तो वो उसमें फिर ये दो नंबर यानी बी नंबर ऑप्शन है ना, ये भी इंक्लूड हो जाएगा फिर इसमें। हालांकि डायरेक्टली आंसर तो सी नंबर ऑप्शन है, लेकिन इसमें बी भी हो जाएगा, यानी बी और सी इसके ऑप्शन दोनों सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका 93 है, ये कह रहा है किस विधि में कुछ नया प्राप्त करने के लिए विभिन्न कथनों एवं या कह सकते हैं या भागों के संयोजन की प्रक्रिया के सिद्धांत की पालना होती है, वो किस विधि में होती है। यानी आपको कुछ नया प्राप्त करने के लिए विभिन्न कथनों और आपके जो भी भाग होते हैं उनके संयोजन की प्रक्रिया का आप यानी पालन करते हैं या उसे इंक्लूड करते हैं, तो ये किस विधि के अंतर्गत होता है ऐसा। तो ये होता है आपकी संश्लेषण विधि है ना, उसके अंतर्गत होता है। संश्लेषण में ही क्या होता है कि जो भी आपने विश्लेषण किया है ना, जो टुकड़े या एक संश्लेषण विधि होती है, एक विश्लेषण होती है, तो ये अब देखो संश्लेषण विधि है ना, इससे पूर्व कौन सी विधि आती है, विश्लेषण। इसमें टुकड़े किए जाते हैं, उन टुकड़ों का यहाँ पर संयोजन किया जाता है, तो उससे नया क्या बनते हैं, या तो वो कथन बनेंगे या भाग बनेंगे। ये आप साइंस के अंतर्गत पढ़ेंगे विश्लेषण विधि और संश्लेषण, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंस है इनकी, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आपने जो बैकग्राउंड साइंस रहा है आप भी तो जानते होंगे कि जब दो कोई एलिमेंट हैं अगर उनकी अभिक्रिया कराई जाती है तो एक नया पदार्थ बनता है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं, तो वही है। यानी यहाँ पे जो भी आपने टुकड़े लिए हैं विश्लेषण विधि के, उन्हें आप इकट्ठा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से एक नया इसमें से या तो वो भाग बनेगा या कतरा कोई भी बनेगा। मैं तो ये समझाने के लिए किया है, बाकी आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अलावा जो आपकी टीचिंग मेथड एक जगह क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, सीधे सीधे आपको अलग अलग जगह पर मिलेंगे। जैसे 114 नंबर क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन सब जगह मिलेंगे आपको देखने को। यानी ये वाला क्वेश्चन है ना, ये प्रकृति गणित के, देखो यहाँ पर पूछा गया गणित की प्रकृति संबंधित नहीं है। जैसा ऑप्शन पहला कह रहा है गणित में संख्या स्थान और जो मापों यानी मापनों का अध्ययन किया जाता है, ये बात सही है। गणित की अपनी एक भाषा होती है, पद प्रत्यय सूत्र होते हैं, ये बात सही है। गणित का ज्ञान है वो तार्किक नहीं होता है, जबकि तार्किक होता है, यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी गणित का ज्ञान समस्त जगत के में समान होता है, ये भी बात सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गणित वह भाषा है जिसने या जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन किसका है, तो ये आपके गैलीलियो का हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये शायद 2018 की वैकेंसी या 21 की में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये मैंने कराया है इस वजह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 कि नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नति तथा वृद्धि है वो देश की संपन्नता से संबंधित होती है, यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका सामाजिक मूल्य से। यानी हमने एक जब हम सिलेबस देख रहे थे तो उसमें एक टॉपिक दे रखा था ना, सामुदायिक महत्व था इसी प्रकार था, तो वही था कि गणित का समाज में किस प्रकार का रोल है, तो ये परिभाषा इस प्रकार पूछी गई है, ठीक है। यानी गणित होता है, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित होती है, तो ये आपका सामाजिक मूल्य हो जाएगा। गणित का सार संग्रह ये नामक पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई थी, तो ये आपकी लिखी गई है अगर देखा जाए तो महावीराचार्य, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हुए हम गणित में सूत्रों की रचना करते हैं, तो ये किस विधि के थ्रू करते हैं हम, ये तो ये आप करेंगे आगमन विधि, जिसे हम इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। इसी में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाया जाता है, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि उदाहरण से आप किधर की जाएंगे, नियम की ओर, और लास्ट में जाके हम सूत्र स्थापित कर देते हैं, ठीक है। तो इसके 4 स्टेप हैं। RPSC सेकंड ग्रेड ने भी ये क्वेश्चन पूछा है कि आगमन विधि के जो 4 स्टेप होते हैं उनका क्रम क्या होता है, तो वो भी इसी वीडियो के अंतर्गत आपको क्वेश्चन मिल जाएगा देखने को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका ज्ञान चित्रकला में सर्वाधिक सहायक होगा, तो रेखागणित का होगा, क्योंकि हम इसमें आप भी जानते हैं हाथ ही चलाते हैं ज़्यादातर, वो किसी भी प्रकार का चाहे वो त्रिभुज बनाना हो, आयत बनाना हो, वर्ग बनाना हो, समचतुर्भुज हो, चतुर्भुज के विभिन्न प्रकार होते हैं वो भी हो, या अन्य चीज़ें होंगे, तो वो इसमें रोल ज़्यादा करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी एक मूल्यांकन के यानी मूल्यांकन की प्रविधि नहीं है, यानी टेक्निक नहीं है, यहाँ पर मेथड उपयोग किया गया है शब्द, और यानी प्रविधि के लिए तो हम टेक्निक शब्द यूज करते हैं, ठीक है। फिर जो भी है यूज किया गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
हम कह रहे हैं कि इसमें से कौन सी मूल्यांकन की एक विधि नहीं है। साक्षात्कार तो होती है, ठीक है, प्रश्नावली भी होती है, चेकलिस्ट भी होती है, लेकिन जो आपका प्रिपरेशन है ना, तैयारी करना, ये नहीं होगी। तो हम ये कहेंगे ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, वो आपके साइंस की टीचिंग मेथड से पूछा गया है। वो इस प्रकार पूछा है, 124 नंबर क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ये सेकंड नंबर शिफ्ट है ना, उसका क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं हम, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि आपके 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था, तो प्राइमरी का हो गया था पहली शिफ्ट में, बाकी जो 3 शिफ्टें बची थी ना, उनमें 3 पेपर हुए हैं। तो ये पहला वाला पेपर है, और अभी तो बहुत सारे पेपर बचे हैं, यानी 2 पेपर और बचे हैं, तो उन्हें भी करेंगे, और जो प्रीवियस में और भी क्वेश्चन बने हैं वो भी इसी में देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, 124 नंबर है ना, 124 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, एक सेकंड। और जैसा देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर है 123, 24, 24 को देखिएगा। इसमें पूछा है कि कौन सी वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है, आप ऐसे बोल सकते हैं, जो साइंस की मेथड कौन सी नहीं है इसमें से, टीचिंग मेथड वो बताइएगा। तो इसमें से जो नहीं होगी, जैसे कि इसमें जो कहानी विधि है ना, यानी जो एनेक डॉट लिख रही है, एनेक डॉट, तो ये मेथड नहीं होती है। बाकी मनोदैहिक यानी साइको आप बोल सकते हैं, फिजिकल मेथड होती है, और इसके अलावा मूल्यांकन इवोल्यूशन मेथड होती है, और आपकी जो प्रश्नावली है, क्वेश्चन मेथड, ये भी होती है, लेकिन कहानी नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 125 है, इसमें मूल्यांकन का उद्देश्य बताना है, यानी जो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, कि एक तरह से ये कहेंगे जो सीखने में जो भी कमी का हम निदान करेंगे और उपचार करेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं, 125 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि ये 2 नंबर ऑप्शन है ना, बी, जैसे जो भी से चाहती कि अपनी को उनकी उपलब्धता जानना या उपलब्धि जानना, तो ये भी एक ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी और डी, इसके 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है इस प्रकार है, 126, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री जो श्रव्य और दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं की जाएगी। चलचित्र का मतलब मूवी है, तो ये दोनों में सम्मिलित हो जाएगी, सुनने में भी देखने में, लैपटॉप सुनने और आपके बोल सकते हैं देखने में उपयोगी हो जाएगा, टेलीविजन है यानी टीवी है वो भी देखने और सुनने दोनों में उपयोगी हो जाएगा, लेकिन चित्र विस्तारक है ना, यानी चित्र विस्तारक ये एपिडाइस्कोप होता है, ये दृश्य सामग्री होती है, केवल देख ही सकते हैं, सुन नहीं सकते, तो इसका फिर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हमें यही पूछा था कि श्रव्य दृश्य उपकरण में सम्मिलित कौन सा नहीं होगा, तो वो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा 127 और भी कौन कौन से हैं, ये नहीं है, यही है कि इसमें छांटने होंगे क्वेश्चन के कौन कौन से टीचिंग मेथड के पूछे गए थे। जैसे 134 नंबर पूछा था, प्रयोगशाला विधि है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो हम जानते हैं कि करके सीखने यानी लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट है 135, ये तो आपका साइंस का है, अब देखिएगा 141 नंबर क्वेश्चन, ये साइंस का ही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य शिक्षण साधन कौन सा है, यानी आप सुन सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं। तो इसमें देखो, रेडियो तो सुन सकते हैं केवल, चार्ट को देख सकते हैं, श्यामपट्ट को देख सकते हैं, लेकिन दूरदर्शन यानी टेलीविजन है ना, इसे आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये पेपर नंबर है तीसरा, हमने अभी जो क्वेश्चन किए हैं वो दूसरे पेपर के किए हैं, ठीक है। तो तीसरे पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं, हम डायरेक्टली देखते चलते हैं अब, ठीक है। और जैसे कि पहला क्वेश्चन बना है, 91 नंबर क्वेश्चन, जैसा देख पा रहे होंगे, इसमें कह रहा है कि जो आपका विलियम किलपैट्रिक है, वो गणित से शिक्षण की किस पद्धति के संस्थापक हैं। तो इनमें से सभी देखेंगे तो वो प्रायोजना विधि के संस्थापक हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस शिक्षण विधि में करके करके सीखना और अवलोकन द्वारा सीखना होता है, तो वो प्रयोगशाला विधि है। इस प्रकार का हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि एक अच्छे परीक्षण की विशेषता क्या होती है, तो हम ये कहेंगे उसमें वैधता हो, विश्वसनीयता भी हो और वस्तुनिष्ठता भी, तो ये सभी चीज़ें होना हम ये कहेंगे अच्छे एक परीक्षण की विशेषता होती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है नेक्स्ट कि किस प्रकार के शिक्षण में अधिगम संबंधित त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए
प्रभावशाली विधियों का विकास करना मुख्य उद्देश्य होता है, तो वो आपके उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि आपने त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए तो आपने ऑलरेडी पता ही कर लिया ना, अशुद्धियाँ या त्रुटियाँ या कमियाँ या रीजन जान लिए, तो वो निदानात्मक के होते हैं ये काम। लेकिन आप इन्हें फिर क्या करोगे, इसे उपचार कर रहे हो यानी प्रभावशाली विधियों का विकास कर रहे हो, तो फिर इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि गणित शिक्षण और अधिगम में शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता लेना ये किस प्रकार आप कह सकते हैं, यानी आप ये गणित में आप अगर कोई भी टीचिंग मटेरियल यूज करते हैं, चाहे उन्हें सहायक सामग्री बोल सकते हैं, टीचिंग एड भी बोल सकते हैं, तो इनका क्या रोल होता है। तो हम ये कहेंगे ये मेकिंग कंटेंट, जो भी हम कंटेंट पढ़ाएंगे तो उसे इंटरेस्टिंग बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी विषय वस्तु को मनोरंजक बनाने में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, जो भी टीचर मेथड से बनाए, इसके अलावा जो भी क्वेश्चन बने हैं, जैसे कि ये बना है, हाँ ये बना है कि जो आपके समंकों को खानों और पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की व्यवस्था क्या कहलाती है, तो इसे हम टेबुलेशन बोलते हैं, यानी सारणीकरण करना होता है ये। तो अच्छा क्वेश्चन पूछा था ये, बी नंबर, ये डाटा मैनेजमेंट से पूछा है, ये ध्यान रखना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भी आपके निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक या गौण आंकड़ों का स्रोत नहीं है। गौण का मतलब होता है किसी ने पहले ही यूज कर लिया है, उसके बाद हम यूज करें उन डाटा को, जैसे कि पत्रिकाएँ, और इसमें हो जाएगा इसका व्यक्ति द्वारा स्वयं के द्वारा किया गया सर्वे, ये तो प्राइमरी हो जाएगा यानी प्राथमिक आंकड़े हो जाएंगे। जैसे हम जनसंख्या में जो अभी आई की अपनी 24, यानी आप कह सकते हैं 24 के लास्ट या 25 के शुरुआत में जो भी जनगणना आएगी ना, तो उसमें क्या होता है, जो टीचर लगाए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, घर घर जाके ही तो पता करते हैं कितने बच्चे हैं, कितने मेंबर हैं परिवार में, तो ये व्यक्तिगत हो जाते हैं, ये प्राइमरी हो जाएंगे, और जो भी हमारे डाटा को यूज करेगा तो वो फिर सेकेंडरी हो जाएगा। तो यही पूछा था ना, द्वितीयक या गौण आंकड़े का स्रोत नहीं है तो वो प्राइमरी हो जाएगा, क्योंकि ये अलग होता है, और सेकेंडरी वाले कोई दूसरे होंगे, जो हमारे प्राइमरी होते तो प्राइमरी वाले ही हैं, लेकिन हम प्राइमरी को रखेंगे प्राइमरी में ही, यानी क्योंकि वो व्यक्तिगत तौर पे गया है वहाँ पे आंकड़े एकत्रित करने, और अगर उन प्राइमरी को ही हम यूज करें तो फिर हम सेकेंडरी हो जाएंगे। ये आपके डाटा मैनेजमेंट में आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये तो आपके सांख्यिकी से पूछा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 है कि ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि गणित का ज्ञान कैसा होता है। तो हम ये कहेंगे गणित का ज्ञान होता है ना, वो लॉजिकल होता है, और यथार्थ होता है, और क्रमबद्ध भी होता है, तो हम ये कहेंगे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फिर सही है ना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, और ये कह रहा है कि विभिन्न वस्तुओं को समान नाम देना ही गणित है, ये कथन किसका है। ये अच्छा क्वेश्चन है, यानी विभिन्न वस्तुओं को समान नाम देना ही गणित है, ये आपका संबंधित किससे होगा, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका हेनरी पॉइनेकर, यानी ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, ये मुझे भी नहीं मालूम था इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन है वो गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने के कारण संबंधित नहीं है। अगर आप देखें जैसे गणित का, गणित की यथार्थ कह सकते हैं विज्ञान है, गणित बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है, ये बात तो सही है। गणित सामान्य लोगों के लिए नहीं है, ऐसा कहना गलत है, क्योंकि चाहे वो सामान्य हो या विशिष्ट हो या कैसा भी हो, सभी के लिए समान होता है, तो हम ये कहेंगे ऑप्शन नंबर इसका सी गलत हो जाएगा। बाकी गणित की भाषा है सार्वभौमिक होती है, वो फिक्स होती है, ठीक है, सही है। तो यानी हम कहेंगे डी नंबर ऑप्शन है वो गलत है, बाकी सभी सही थे, हमें गलत ही पूछा था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा हुआ गणित की जो शिक्षण है वो उपयोगी होता है किन के लिए, तो हम कहेंगे सभी के लिए हो गए, चाहे वो सामाजिक विकास के संबंधित, चाहे व्यवहारिक हो या बौद्धिक हो, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा गया जो करिकुलम, यानी जो आपका करिकुलम मीन्स ये है कि आपका जो पाठ्यक्रम है, शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो वो लैटिन भाषा से हुई है, और ये भी क्वेश्चन है बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, अब ये साइंस की टीचिंग में थोड़ा आ रही है यहाँ से आगे, लेकिन ये तो साइंस के ही क्वेश्चन है सभी, और जैसे ये वाला है 127 नंबर पूछा है कि जी स्टेनी हॉल ने किस कौन सी यह शिक्षण विधि को लोकप्रिय बनाया था,
तो वो प्रश्नावली को बनाया था। ये स्टैनी हॉल वही है जो किशोरावस्था को क्या कहते हैं, तूफान और संघर्ष की अवस्था, ये वही है कौन आपके स्टैनी हॉल। तो ऑप्शन नंबर इस का सही हो जाएगा क्योंकि इन्होंने यही फेमस की थी प्रश्नावली। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता इसमें से कौन सी होगी, तो सभी हो जाएगी, चाहे आपके ड्यूरेशनल एस्पेक्ट हो या आपकी कंटिन्यूटी हो या आपके ओमनिवर्सल जो भी आपके डेवलपमेंट है ये सभी आ जाएंगे। यानी आप कह सकते हैं आवधिक पहलू हो, निरंतरता हो या आपकी सर्वोत्तमुखी जो भी विकास है वो सभी, यानी सभी चीज़ें आ जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ नहीं है इसमें। अब देखिएगा ये कह रहा है कि ऐसा कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ नहीं है, यानी वो उपयोगी नहीं है। देखो जैसे प्रेरणा एवं रोचकता मिलती है ये बात सही है, पिछड़े बालकों के लिए प्रभावी होती है ये भी बात सही है, सुदृढ़ ज्ञान की प्राप्ति होती है ये भी बात सही है, लेकिन जो वस्तु आप सहायक सामग्री यूज कर रहे हैं वो महंगी नहीं होनी चाहिए, ये लाभ नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ये तो साइंस का है और ये भी साइंस का ही है, आप ऐसे कह सकते हैं कि इसमें जो साइंस के पेपर हुए हैं ना उनमें टीचिंग मेथड कम पूछी गई है। अब जैसे एक ये क्वेश्चन मिला कि मूल्यांकन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, जैसे कि यह शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग हो जाएगा ये बात सही है, या अधिक वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय वैध होता है ये भी बात सही है, इसका क्षेत्र सीमित नहीं होता है, व्यापक कह सकते हैं या व्यापक कहेंगे या फिर इसे विस्तृत भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये लिखा नहीं जा रहा है मुझसे, लेकिन आप ध्यान रखना व्यापक होता है और विस्तृत होता है न कि सीमित है, बाकी इसके द्वारा निर्धारणात्मक और आपके उपचारात्मक शिक्षण संभव है ये भी बात सही है। तो इसमें से गलत ही 3 नंबर हो गया, ये रमोट प्लास्टिक, ये सभी क्वेश्चन हैं आपके साइंस के हैं। अभी जो पेपर नंबर चल रहा है ये लास्ट चल रहा है, ठीक है, ये 4 नंबर का है। अब क्वेश्चन नंबर 91 है जो पूछा गया है कि जो आपका गणित रेखागणित है इसका शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, इसका या प्रमुख उद्देश्य क्या होगा। रेखागणित यानी जो आपकी ज्योमेट्री है आप उसे पढ़ाते हैं ज्योमेट्री के थ्रू या टीचिंग कराते हैं, तो उसका क्या रोल होता है। तो हम कहेंगे ये गणित के जो भी उपकरण होंगे उनके प्रयोग एवं मापन का ज्ञान होगा हमें, ठीक है, छात्रों में रचनात्मक शक्ति का विकास होगा, सही बात है, छात्रों में वस्तु प्रेषण शक्ति का विकास होगा ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका, यानी सभी बातें सही थी। क्वेश्चन नंबर 92 है कि बालक है आयत की परिभाषा का प्रत्यास्मरण कर सकेगा, यह कथन कौन से अधिगम उद्देश्य को प्रदर्शित कर रहा है। जो भी आपने बीएड कर रखी होगी या डीएलएड कर रखी होगी या पीएचडी, तो आप पाठ योजना बनाते होंगे, तो पाठ योजना में हम कुछ शुरुआत में लिखते थे या लेसन डायरी बनाते थे तब, कि जैसे कि ज्ञानात्मक उसमें 2 चीज़ें लिख देते हैं, बच्चे परिभाषा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे या प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, तो वहाँ पर ये प्रत्यास्मरण यही कह रहा है कि परिभाषा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे ये आपके किस डोमेन से संबंधित है, तो वो ज्ञान से संबंधित हो जाए क्योंकि ज्ञान के अंदर ही आते हैं प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान, बाकी अवबोध के अंतर्गत इसकी समझ विकसित हो जाएगी, इस प्रकार के हम लिखते थे। वो तर्क विश्लेषण कर सकेगा, ठीक है, तो हम इस विश्लेषण में लिखते थे, मूल्यांकन में तो वो मूल्यांकन होता ही है लास्ट में, ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि एक बालक दिए गए माप के आधार पर एक त्रिभुज की रचना कर पाता है, तो बालक की इस गतिविधि के द्वारा किस मुख्य उद्देश्य की पूर्ति होगी। बालक क्या कर रहा है, माप के आधार पर एक त्रिभुज की रचना कर पा रहा है, तो देखो इसमें हो जाएगा आपका ये एक आपका स्किल हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं जो त्रिभुज बनाना, आयत बनाना, कुछ अन्य चीज़ें बनाना भी आपके स्किल में ही आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रखर बुद्धि वाले बालकों में यह गुण नहीं होता है, कौन सा नहीं होता। अधिक जिज्ञासु होते हैं प्रखर बुद्धि वाले, प्रखर बुद्धि वालों को कह क्या रहे, स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट कह रहा है, तो कोई बात नहीं, अधिक जिज्ञासु होंगे हो सकते हैं, इनमें रुचि क्षेत्र व्यापक होता है ये भी हो सकता है, ये बालक संवेगात्मक दृष्टि से अस्थायी होते हैं, यानी अस्थायी को यहाँ पे क्या कह रहा है, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, और भी देख लेते हैं। अल्प आयु से ही तर्क शक्ति का ज्ञान है, दृष्टिगोचर हो जाता है, यानी आप है, ये कह सकते हैं शुरू से दिखाई दे जाता है कि ये यंग एज, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, ये हम ये कहेंगे कि ये बालक संवेगात्मक दृष्टि से अस्थायी होती है, ये ऐसा कहना गलत होगा, वो यही पूछा था कि जो प्रखर बुद्धि वाले बालक होते हैं उनका कौन सा गुण
नहीं है, तो वो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। अब ये है जो सारणियन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी जो आपकी टेबुलेशन होती है उसका क्या उद्देश्य होता है। जैसे कि ये कह रहा है समंगों, जो भी समंग होंगे यानी जो आपके जो डाटा होगा उनकी विशेषताओं के आधार पर प्रस्तुत करेंगे, ये बात सही है। समंगों को क्रमबद्ध व्यवस्थित करने में प्रस्तुत करेंगे और बाकी जटिल तत्वों को सरल रूप में प्रस्तुत करेंगे, यानी सभी ये चीज़ें आ जाएंगी इसी के अंतर्गत। ये डाटा मैनेजमेंट था ना वो टॉपिक, वहीं से क्वेश्चन पूछा ये। नेक्स्ट है, अरे ये तो किसका है, उसका है सांख्यिकी का। और नेक्स्ट है ये वाला, गणित शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन सी हो जाएगी इसमें। वो चाहे तो वो आपकी नेपियर ट्रिप हो यानी स्ट्रिप बोलते हैं इसे, चाहे वो आपके लॉग रिथम यानी जो लघु गणक की सारणी हो यानी लघु गणक की सारणी हो, या ज्यामिति बॉक्स हो जैसे हम ज्योमेट्री बॉक्स बोलते हैं, ये सभी उपयोगी होंगे किसमें, गणित की शिक्षण सहायक सामग्री में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्या, इनमें से बताइए गणितीय कथन सत्य कौन सा होगा। तो हम ये कहेंगे जो मूल्यांकन होता है ना उसमें आपका मापन होता है और उसकी निर्णय लिया जाता है, यही कहेंगे मूल्यांकन। क्योंकि ये मापन तो आपका इसका क्षेत्र मापन से संबंधित होगा, यानी चाहे वो आपके मापन से संबंधित होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, यानी ये सीमित क्षेत्र होता है एक तरह से, ये कह सकते हैं निर्णय होगा, इसमें गुण वगैरह देखे जाते हैं, ये व्यापक क्षेत्र होता है। हम यही कहेंगे यही होगा, क्योंकि एक में माइनस हो रहा है तो माइनस तो होता नहीं है, ना भाग लगता है ना ये भी माइनस होगा, तो ऑप्शन नंबर एक ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारतीय गणितज्ञ इनमें से कौन सा नहीं है। देखो रामानुज जो है, ब्रह्मपुत्र है, आर्यभट्ट है, लेकिन जो आपका पाइथागोरस है ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इनमें से बताइएगा कौन सा ऐसा गणित का शिक्षण में संज्ञानात्मक उद्देश्य का एक प्रकार नहीं है। ये थ्री डोमेन थे, कौन कौन से डोमेन थे, ब्लूम टैक्सोनॉमी ने थ्री डोमेन दिए थे। पहला तो ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक। तो जो ज्ञानात्मक था ना ये तो B.S. ब्लूम का भी था, वो भावात्मक था ये क्रैथवालो मसीहा का था, और जो क्रियात्मक था वो सिम्पसन का था। तो जो ज्ञानात्मक था ना इसमें 6 स्टेप होते हैं, तो इनमें से बताइए कौन सा नहीं है। तो देखो ज्ञान होता है, ज्ञान के बाद आपको अवबोध होगा, अवबोध होगा तो आपको जो ज्ञान आपने सीखा है उसका आप दूसरी जगह अनुपयोग करेंगे, अनुप्रयोग मीन से उसका एप्लीकेशन करेंगे वहाँ पे, फिर उसके बाद आप विश्लेषण करेंगे उसका, फिर संश्लेषण करेंगे, फिर लास्ट में जाकर मूल्यांकन करते हैं। ये 6 स्टेप होते हैं, लेकिन ये कौशल है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यही पूछा था ना संज्ञानात्मक उद्देश्य का एक प्रकार नहीं है, तो वो ये नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गणित शिक्षण के मूल्यांकन की एक विधि नहीं है। इसमें से आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे, जैसे निरीक्षण जो आप है सुपरविजन कर रहे हैं, ये हो सकता है निरीक्षण, या पर ऑब्जर्वेशन भी शब्द दे सकता था लेकिन उसने दिया है सुपरविजन। ठीक है, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा इसी के अंतर्गत, यानी ये मूल्यांकन की एक तरह से विधियाँ हैं। बाकी है जो टीचिंग मॉडल आप है क्रिएट बाई स्टूडेंट, यानी आपके छात्र के द्वारा है कोई, अगर शिक्षा जो भी शिक्षण मॉडल बनाए जाते हैं तो ये वो भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित हो जाएगा। लेकिन श्रुत लेख है ना, सुनकर लिख रहा है, तो ये आपका मूल्यांकन की विधि के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि गणितीय कथन जिसकी सत्यता सिद्ध की जा सकती है तो उसे क्या कहेंगे, प्रमेय कहेंगे, या आप एजम्स कहेंगे, या आप कंजेचर कहेंगे, कंजेचर, और या आप इसे पोस्टुलेट कहेंगे। और ये अच्छा क्वेश्चन है, सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रमेय क्या होती है, अभिग्रहित क्या होता है, जो आपका कंजेक्चर होता है ये क्या होता है, ये और आपकी पोस्टुलेट क्या होता है। लेकिन हम गणित की जो भी कथन होंगे ना, अगर जिसकी सत्यता सिद्ध कर दी गई है तो हम उसे प्रमेय कहेंगे। ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये प्रमेय द्वारा सिद्धित तो होता है, तो हम डायरेक्टली हम यही अनुमान लगा लेते हैं कि जो अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं अब साइंस में किस प्रकार की टीचिंग मेथड पूछी गई है। जैसे कि 123 नंबर क्वेश्चन पूछा है, देखिएगा इसमें से बताइएगा सबसे प्राचीन विधि कौन सी होगी। तो मूल्यांकन होगी नहीं, प्रोजेक्शन होगी नहीं, या तो स्मृति विधि या कहानी विधि, इन दोनों में से एक होगी। कौन सी हो सकती है, इसमें से कहानी विधि हो जाएगी। ठीक है, जैसे एनेक्डोटल बोल रहे हैं, ठीक है, तो यही होगी। हालांकि सबसे प्राचीन विधि की बात की जाए तो वो होती है आत्मकथा विधि। आत्मकथा विधि को हम बोलते हैं
आत्मकथा या इसे ही या तो हम डेली डेली डायरी बोलते हैं ना, तो वो डेली डायरी बोलते हैं ना, वो यही होती विधि। ये आपके विलियम बुंट टिचनर से संबंधित है थे आत्मकथा विधि। तो हम कहानी पे ही जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य क्या होता है, यानी व्यापक व्यापक का। इसमें शैक्षिक अशैक्षिक दोनों चीज़ें आती हैं। इस वजह से चाहे तो वो शैक्षिक का मतलब जो आप स्कूल में जो जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, शैक्षिक का मतलब है कि आप खेल के थ्रू सीखना, अन्य चीज़ें भी इसी एक्टिविटी आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, कौन सी शैक्षिक सहायक सामग्री दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं की जाएगी। प्रोजेक्टर तो दृश्य होता है, पोस्टर भी दृश्य होता है, और फिल्म स्ट्रिप जो कैमरा यानी कैमरा मीन्स ये कि पहले चलते थे उसमें वो लगाई जाती थी, जो अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ये फिल्म स्ट्रिप होती है, उसमें स्लाइड सी लगाई जाती थी और उसके अंदर देखते थे, तो वो है ये। तो ये भी दृश्य में ही आ जाएगी, प्रोजेक्टर दृश्य में, पोस्टर दृश्य में। लेकिन जो ग्रामोफोन है ना, इसके द्वारा तो हम सुनकर अपनी ये कह सकते हैं, ये श्रवण से संबंधित आपका उपकरण है, न कि ये आपका दृश्य से संबंधित। आप ऐसा भी लॉजिक लगा सकते हैं। तो बाकी ग्रामोफोन में हम जो भी त्रुटि बोलने में करते हैं ना, उन शब्दों को बार बार रिकॉर्ड किया जाता है इसमें, और फिर उनको बार बार दोहराया जाता है, जैसे कि हम शुद्ध शुद्ध उच्चारण कर पाए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो इसके संबंधित नहीं है दृश्य से। यही क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 133 देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परीक्षण का मापदंड नहीं है। विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, और लेकिन व्यक्ति परखता नहीं होनी चाहिए, यानी जो आपकी सब्जेक्टिविटी है ना वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें एक शब्द और ध्यान रखना, व्यापकता भी आता है शब्द, ठीक है, यानी जो विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, व्यापकता, तो ये सभी शब्द है ना एक अच्छे परीक्षण के मापदंड माने जाते हैं, जबकि व्यक्ति परखता या सब्जेक्टिविटी नहीं मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 140 कि एक विद्यार्थी द्वारा प्रयोगशाला में किए जाने वाले नेत्र शिक्षण साधन का एक प्रकार है, यानी साधन का कौन सा प्रकार है। तो देखो, शिक्षण जो भी आप जो भी स्टूडेंट है वो प्रयोगशाला में कोई प्रयोग कर रहा है, तो वो किससे संबंधित होगा। तो वो मोस्टली है वो एक्टिविटी आधारित हो रहा है, यानी आप एक्टिविटी एड बोल सकते हैं उसे। यही तो पूछा था कि एक विद्यार्थी प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा है, तो वो भी किस प्रकार के साधन में आप लोगे उसे, यानी श्रव्य में लोगे, दृश्य में लोगे, या सर्व दृश्य में लोगे, या क्रियात्मक साधन। हम लेंगे एक्टिविटी एड में लेंगे, यानी वो करके कुछ चीज़ें कर रहा है, तो हम उसे करके साधन के रूप में लेंगे, यानी क्रियात्मक साधन बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये आपके आप ऐसे बोल सकते हैं, जो भी आपके 2022 में जो भी साइंस और मैथ के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए, जो भी टीचिंग मेथड से बने हैं ये ध्यान रखना, और साथ ही साथ जो प्राइमरी में भी बने थे ना वो भी हमने 10 क्वेश्चन इसमें देख लिए थे जो टीचिंग मेथड के, ठीक है। तो ये तो हो जाते हैं 2022। अब इसके बाद है आपके मेंस के देख लेते हैं, यानी जो मेंस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं।